यहाँ पर तो जाने में भी डर लग रहा है, तो अभी कैमरा बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से उतरने में डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ से सीधा जाने का कोई रास्ता नहीं है, बड़ा संभाल के उतरना पड़ेगा। तो शूट करते करते मैं इसे फिल्माते फिल्माते नहीं उतर सकता, तो इसे मैं बंद करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं उठ चुका हूँ अभी, और उठ के अभी तैयार हुआ हूँ और नहा धो चुका हूँ। आज सुबह सुबह जल्दी नहा लिया, नहा धो के अब चाय बनाने जा रहा हूँ। आज मेरे को जल्दी कहीं निकलना भी है, तो उसके लिए चाय वाय मैं ही बना लेता हूँ। आज जाना है तो चाय की तैयारी करते हैं और उसके बाद मैं निकलूंगा। आज अभी मेरे को जाना है बदरपुर, एक जगह है वहाँ पे क्लाइंट से मिलने के लिए, तो काफ़ी दूर है, तो अभी जल्दी निकलना पड़ेगा। 12 बजे उसने मिलने का टाइम दे रखा है, तो जल्दी निकलूंगा। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से फिर ऑफिस आना है, तो आज काफ़ी लंबा दिन होने वाला है। तो चलो अभी चाय वाय पीते हैं और नाश्ता करके फिर निकलते हैं। तो फाइनली चाय बन के हो गई है तैयार, तो अब चाय पीते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. तो गाइस ये मैंने चाय बना दी है, चाय बन चुकी है मेरी, और चलो अब चाय लेके चलते हैं और चाय पीते हैं। तो दोस्तों अभी मेरा नाश्ता आ चुका है और अब नाश्ता करके हम निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो आज नाश्ते में है दाल और चावल, तो आज दाल चावल खाते हैं फर्स्ट क्लास और फिर निकलते हैं। तो गाइज अभी मैं नाश्ता वास्ता कर चुका हूँ और अब निकलता हूँ मैं अपने ऑफिस के लिए, जहाँ पर बॉस भी मेरे साथ आ रहे हैं। तो चलिए उन्हें अभी पहले पिक करना है मेट्रो स्टेशन से, तो वहाँ चलते हैं पहले। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ अपने बॉस को लेने के लिए मेट्रो स्टेशन पे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यहीं मिलूँगा, तो अभी फ़ोन आया उनका कि थोड़ा लेट हो जाऊँगा इसलिए आ नहीं पाऊँगा अभी, तो उनका वेट करना पड़ेगा मुझे एक घंटा करीब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जरा यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है ना, बड़ा सही लग रहा है देखने में। आज़ादपुर का मेट्रो स्टेशन है, आपने देखा होगा शायद दिल्ली में, तो बड़ा ही खूबसूरत सा मेट्रो स्टेशन है ये। ये देखिए पीछे मेरे दिखाई पड़ता होगा आपको, ये स्काई वॉक बना हुआ है पीछे की तरफ जो दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे अभी मैं वेट कर रहा हूँ बॉस का, और वैसे मैं इधर से भी आता तो आ सकता था माल रोड साइड से होके, ये माल रोड का एरिया है पीछे की तरफ मेरे जो है, पीछे जो दिखाई पड़ता है, तो यहाँ से भी आ सकते थे। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने भाई इधर से होके आया था, भीड़ भाड़ कम मिलती है ना, तो यहाँ आ गया था मैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. तो दोस्तों फाइनली बॉस का फोन आ गया कि वो गेट नंबर 4 पे नहीं है, गेट नंबर 1 पे है, तो अभी चलता हूँ उनको वहां पे लेने। तो दोस्तों मैं अभी आया था यहाँ, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है एक, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पे, मैं सोचा ये आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर बहुत सारे जानवर वगैरह होते हैं, ये चिड़ियाघर टाइप का सा है लेकिन सब खुला हुआ रहता है, तो मैं सोचा था यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी ये बंद हो गया है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ पे ना वैसे भेजते भी नहीं है, ग्रुप में ही जाने देते हैं आपको ना, गाइड लेके जाएगा यहाँ पे, आप वैसे नहीं जा सकते। तो देखो और किसी दिन यहाँ पे आऊँगा, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है ना बड़ा सही सा है। आप देखोगे मेरे पीछे यहाँ पे ये एक एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है, और ये पीछे जो आया ना इंक्वायरी काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पे 2-3 लोग खड़े हुए हैं, देख रहे होगे आप यहाँ पे, तो ये है। तो ये बहुत सही जगह लग रही है। अब मेरे पीछे ये पूरा जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, इसमें नीलगाय वगैरह भी हैं और बहुत सारे बत्तख वगैरह भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ और किसी दिन आऊँगा। चलो अभी बाहर बाहर से यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बाहर का मौसम भी बड़ा अच्छा सा हो रखा है यहाँ पे, तो मैंने कहा ये भी दिखा देता हूँ आपको। अभी देखो यहाँ पे ये आपको ना, ये मेरे ये जो है ना सामने, ये बांस के पेड़ हैं, ये पार्क के अंदर का सीन है। ये देखो ये मोर दिखाई पड़ता है, तो ये तो बाहर की तरफ ही आ गया एकदम, बड़ा सुंदर सा लग रहा है ये देखो, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे जानवर दिख जाएंगे यहाँ पे आपको।
तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ वजीराबाद में। मैं ऑफिस से निकला तो बॉस को छोड़ने के बाद में मैंने कहा चलो घर चलते हैं, आज कुछ खास काम था नहीं तो मैं चला घर पे, घर के लिए निकला था। तो रास्ते में आया तो मैंने देखा यहाँ पे वजीराबाद, जैसे ही पहुँचा ना यहाँ मेरे को एक टॉम दिखाई पड़ा तो मैंने कहा चलो देखता हूँ इसे, ये क्या है। मैं आता तो बहुत बार हूँ यहाँ से लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं इसके अंदर चलता हूँ, ज़रा देखता हूँ ये कैसा बना हुआ है क्या नहीं है। तो अधिकतर तो यहाँ कोई आता ही नहीं है, बना हुआ है रास्ते में, वजीराबाद में ही है बिल्कुल। वजीराबाद में जैसे ही एंटर करते हैं ना, जो पुराना वाला पुल था उसके पास में बना हुआ है, लेकिन कभी यहाँ मैंने किसी को आते जाते देखा नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं ही चलता हूँ आज यहाँ पे। तो आइए चलिए आपको भी दिखाता हूँ ये। तो ये देखिए ये है वो टॉम, ये टॉम है जो आपको दिखाई पड़ता है। और ये देखिए इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ भी है, वजीराबाद पुल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। वजीराबाद पुल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1351 से 1388 के बीच में किया गया था। तो ये बना हुआ है, ये देखो बड़ा सही लग रहा है ये, और यहाँ कमी लोग आते जाते हैं। आइए चलिए आपको अंदर ले चलता हूँ इसके। देखिए कितने पुराने ज़माने के, ऐसा लग रहा है लाल किला देख रहा हूँ मैं, उसी पुराने टाइम का बना हुआ है ये भी, ये उसी टाइम का बना हुआ है जो आपको दिखाई पड़ता है। चलिए एंट्री करते हैं, अंदर चलते हैं। ये अंदर आ गए और ये आप देखो ये टूटा फूटा हुआ है, टूटा हुआ है इस टाइम, टूट चुका है लेकिन आज भी सही हालात में है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल जस्ट वजीराबाद के साथ में ही है, बिल्कुल वजीराबाद में जैसे ही एंटर करते हैं ना वहीं पे है, जो इधर आते जाते हैं उन्होंने देखा होगा। ये एक मीनार जैसी इधर बनी हुई है, मीनार नहीं कह सकते, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, टॉम्ब है ये भी। अच्छा इस पे जाने के लिए रास्ता भी है, ये देख रहे हो ना, यहाँ जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है बाकायदा ये। और ये पीछे वजीराबाद गांव है, पीछे की तरफ ये जो आप देख रहे हो ना ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सारा वजीराबाद गांव है पीछे का जो एरिया है ये। चलो मुल्ला जी से पूछते हैं कुछ थोड़ा सा, क्या चीज़ है ये यहाँ पे, मस्जिद है क्या? नहीं मस्जिद तो नहीं है। अच्छा पुराना हिसाब है। अच्छा अच्छा ये तो जनाब को भी नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन टॉम्ब है मैंने लिखा हुआ देखा था। और ये देखिए बीच में ना, बिल्कुल इसके बिल्कुल बीच में ये एक दीवाने ख़ास टाइप कोई चीज़ बनी हुई है। मैं ऐसी बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं है, तो ये पता नहीं किस लिए होगा। ये देखो आप ये बना हुआ है और इसके जस्ट पीछे ये बने हुए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year. Peaceful भी है ये जगह, भी बड़ी शांत है, यहाँ कोई है ही नहीं, कोई आता ही नहीं है। मैंने यहाँ पे कितनी बार देखा है, बस बाहर से ऐसी बोर्ड लगा हुआ है और गेट लगा हुआ है एक, लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं है। और ये देखिए मतलब साफ सफाई तो है, सफाई फाई होती होगी यहाँ की, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है मुझे लग रहा है, किसी का सामान वामान रखा हुआ है कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे। तो ये देखिए ये बड़ा सही यहाँ पे बना रखा है, ये देखो यहाँ पे पौधे वौधे भी लगा रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप देखो चलो मैं आपको ना यहाँ से ऊपर का नज़ारा भी कराता हूँ, ऊपर भी दिखाता हूँ कि कैसा है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time, I thought I would never be fine,
I strive just to say I'm alright. तो जी ये है हमारा वजीराबाद टाउन, और चलिए अब चलते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ का एग्जिट गेट है जहाँ से हम बाहर निकलेंगे, तो चलिए निकलते हैं। इसमें चैन लगा रखी है, थोड़ी सी जगह है, तो जो मोटे आदमी हैं उनका निकलने की परेशानी रहती है। ठीक, कोई बात नहीं, मैं तो निकल जाऊँगा। और वो सामने मेरी बाइक भी खड़ी हुई है, चलिए करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट और निकलते हैं। तो दोस्तों अभी वजीराबाद से मैं आ चुका हूँ घर, और अभी पहुँचा हूँ, और अब चाय वाय पीते हैं। दोस्तों अभी मेरा आ गया है डिनर, ये बढ़िया सब्जी और रोटी, तो चलिए सब्जी और रोटी खाते हैं और गुड़ के साथ। तो दोस्तों मैंने अपना डिनर कर लिया है कंप्लीट, सब लोगों ने खाना वाना खा लिया, और अब सब लोग आराम की मुद्रा में आ गए हैं, तो मैं भी आराम की मुद्रा में जा रहा हूँ। तो अभी लेकिन एडिटिंग करनी है, वीडियो की एडिटिंग करेंगे, और जैसा कि आपने देखा था कि मैं गया था यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, वहाँ पे जाके मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन टाइम हो चुका था तब तक, क्योंकि ऑफिस से लेट हो गया था मैं। तो चलो किसी और दिन वहाँ पे चलेंगे, देखेंगे। लेकिन आज मैंने फिर आपको जो दिखाया वजीराबाद टॉम, वो मैं जाता तो वहाँ से हमेशा था, लेकिन आज मैंने वहाँ जाके मैंने कहा चलो देखता हूँ आखिर इसमें है क्या। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ और मैं कभी उसके अंदर नहीं गया, आज पहली बार गया था, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का भी। बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई था नहीं, तो अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे घूम के। तो चलो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फिर अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.